नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष है, निस्वार्थ है। पृथ्वी पे मनुष्य यदि किसी के ऊपर विश्वास करता है तो भगवान के बाद न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करके चलता है। लेकिन जब न्यायपालिका ही विश्वासघात करने का काम करे तो फिर आम आदमी किस पे विश्वास करे? आप सबको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि न्यायपालिका अब संविधान खतरे के अंदर है। शायद भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के बीच आए थे, वो पहला एक वाक्य था। लेकिन उसके बाद जैसा न्यायपालिका में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि न्यायपालिका का रोल कैसा है। अगर न्यायपालिका में ऐसा नहीं है कि सारे जज सरकार की साथ सांठगांठ किए हुए, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अच्छे जज हैं, जो सरकार के इशारे पे काम नहीं करते हैं, वो अपनी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो वैसे जजों को रातारात ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमने दिल्ली के दंगे के बाद देखने को हमें मिला। उसके बाद अभी वर्तमान में डॉक्टर कपिल खान की एक पूरे देश के अंदर चर्चा है और पूरे देश की निगाह डॉक्टर कपिल खान के केस के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर जज कब फैसला देंगे, कब ये निर्दोष आदमी बाहर आएगा। और जिस तरीके से कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई के ही एक डेट आगे बढ़ा दिया तो शक तो पैदा होता है, सवाल भी खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है बिना सुनवाई के। मन की बात है, जज साहब की नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? आपकी ड्यूटी है वो सुनना। अगर उस दिन आप किसी के भी तारीख ना सुनते तो समझ में आता, लेकिन जिसका पहला एक नंबर का डेट है, एक नंबर का केस है, उसकी आपने सुनवाई करे बिना डेट आगे बढ़ा दी, बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है। लोग कितना विश्वास के साथ न्यायपालिका में जाता है कि यहां हमें न्याय मिलेगा, लेकिन उसकी आधी जिंदगी न्यायपालिका यूं ही सड़ा देता है या कहे कि पूरी लाइफ उसकी खत्म कर देता है। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, वो निर्दोष आदमी तो यूं ही उसकी जीवन कट जाती है, जेल में सड़े सड़े पड़े पड़े। तो क्या है देश की न्यायपालिका की व्यवस्था, इससे हमें पता चलता है। वैसे भी मोदी जी की सरकार में एक कहावत है, हाजी की नौकरी और नाजी का घर। यह बहुत पुरानी कहावत है कि जो मोदी जी की हां में हां करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो हां में हां नहीं मिलाएगा, या तो वो नौकरी से बाहर जाएगा, या 2 बजे रात में इस्तीफा देगा, या उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या यदि कुछ कहीं बात नहीं बनती तो उसको रास्ते से ही हटा दिया जाएगा। यह मोदी सरकार इस पे काम कर रही है, जैसा प्रमाण दे रहा हूं, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूं। आप सबको याद होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आपको दिखा रहा हूं मैं, दोस्तों मैं अपील हूं दो किताब।
लोगों ने इस वक्त उन्होंने बताया पटेल साहब ने आरबीआई चाहता था कि बैंकरप्सी कानून को सख्त बनाया जाए। जरा इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लीजिए। इराक में हो उन्हें सबक मिले। फरवरी 2018 में आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। ये सर्कुलर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया था कि जो भी लेनदार राशि नहीं चुका रहा है उन्हें डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाला जाए। इसके अलावा सर्कुलर में ये भी कहा गया था कि जो कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी उसके प्रोमोटर इंसॉल्वेंसी ऑक्शन के दौरान कंपनी में हिस्सेदारी बायबैक नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद मोदी सरकार जैसे ही सर्कुलर जारी हुआ इन्होंने कहा है आगे उर्जित पटेल साहब ने अपनी किताब में कि बैंक का और सरकार का मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि सरकार चाहती थी, आप सोचिए, ऐसा सर्कुलर जिसके अंदर कर्जे का कानून जो था वो सख्त बनाया गया था इसको वापस ले। सरकार ने प्रेशर डाला कि आरबीआई इस सर्कुलर को वापस ले। उर्जित पटेल जी ने मना कर दिया कि हम इस सर्कुलर को वापस नहीं लेंगे, जिसके बाद आपको खुद मालूम है कि उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। और आगे क्या क्या हुआ इसमें बहुत से खुलासे हैं, जो खुलासे कुछ बाकी भी रह गए हैं, कुछ शायद बाद में होंगे, जो बातें नहीं कही है उर्जित पटेल। ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर, आप सबको याद होगा कि राफेल डील की बात कुछ जानकारी सीबीआई डायरेक्टर अगले दिन देने वाले थे देश की जनता को, तो रात्रि 2 बजे उसे हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति है, या तो वो व्यक्ति जो समर्थन करते हैं मोदी के उसके अंदर उसकी भागीदारी है, उसके हिस्सेदारी है। इसीलिए मोदी सरकार के जितने भी भ्रष्टाचार या जितने भी उल्टे सीधे काम में जो व्यक्ति मोदी सरकार का सपोर्ट करता है आज के टाइम के अंदर, वो व्यक्ति मैं समझता हूं या तो उसको कहीं ना कहीं मोदी से हिस्सेदारी मिलती है या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि यदि भ्रष्टाचार की कोई जड़ है तो जड़ वो नरेंद्र मोदी है इस देश के अंदर, अभी तक के इतिहास के अंदर। आप जरा याद करो ना, कॉलगेट घोटाला, कोयला घोटाला, अभ्रक घोटाला, 2G और इंस्पेक्टर, पता नहीं मतलब कि कितने घोटालों के नाम इन्होंने उजागर किए थे कि पता ही नहीं कितने सारे घोटाले इस देश में हुए कांग्रेस के टाइम में। यह मोदी सरकार का उस टाइम में हल्ला था, हल्ला बोल। लेकिन क्या एक भी घोटाला, 7 साल बहुत होते हैं, 7 साल में सब बरी हो गए, लेकिन एक भी घोटाला सिद्ध नहीं कोई कर पाया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब मोदी सरकार ने किसी सरकार को, एक ईमानदार सरकार को बदनाम करने का कोशिश किया, मनमोहन सरकार को, जिसकी एक साफ सुथरी छवि रही है मनमोहन सरकार की। दुनिया के देश सभी तारीफ करते थे, उसके ऊपर उंगली उठाने का काम देश का प्रधानमंत्री करता था। और आज जो भी मोदी सरकार जो उल्टे सीधे काम करती है और जो अफसर या जो नेता इनके खिलाफ बोलते हैं वो हट जाते हैं, जो जज इनके खिलाफ बोलता है वो हट जाता है, तो कहां है देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज? कहीं से लगता है आपको? और कल आपको मैंने एक वीडियो लोड किया था, उसके अंदर स्पष्ट एक संत कह रहा है राम जन्मभूमि के विषय में, हकीकत है कि भादो के अंदर हर एक व्यक्ति, हम जानते हैं कि भादो के अंदर कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो 5 तारीख को, तो ये 3 तारीख के बाद 4 तारीख को तो भादो लग जाएगा, भादो में तो कोई काम होता ही नहीं है, तो फिर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कैसे हो सकता है? ये समझने की जरूरत है। हम नहीं समझेंगे तो। और एक चीज और, मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस राम जन्मभूमि के पूजन होने के बाद समाप्त हो जाएगा, तो क्या यह नहीं लगता कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और यदि कोई है तो आरएसएस के लोग हैं? ये सिर्फ अंधविश्वास और झूठी अफवाहों पे ये देश चलाना चाहते हैं। कितने दिन ऐसे ये झूठी अफवाहों पे देश चल जाएगा भाई?
कितने दिन चलेगा ये देश झूठी अफवाहों के ऊपर, आप सोचिए। ये समझना पड़ेगा हमें।